तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो हजार चौबीस में आने वाली अपकमिंग मूवी के बारे में जिसका नाम है ट्रांसपोर्टर फिफ्थ इसके ऊपर पहले भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ और ये इसका दूसरा पार्ट होने वाला है जिसके अंदर इस मूवी से रिलेटेड आपको सारी कुछ जानकारी बताऊँगा इस यूनिवर्स के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताऊँगा दोस्तों अब तक इस यूनिवर्स के अंदर चार मूवीज आ चुकी है और पाँच का हम सभी को इंतजार है तो दोस्तों आइए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा बेल आइकन इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग है उन सभी का नोटिफिकेशन हर डे आप तक पहुँचता रहे तो दोस्तों ये जरूरी है पहले आप इसे दबा कर ऑन कर लीजिए अब इसके बारे में हम आगे कर एक जैसे वीडियो के अंदर जानना चालू करते हैं ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड फ्रेंच ले ट्रांसपोर्टर हेरिटेज जिसे ट्रांसपोर्टर चार के नाम से भी जाना जाता है एक 2015 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कैमिली डैल्बरे द्वारा निर्देशित और बिल कोलाज एडम कूपर और ल्यूक बेसन द्वारा लिखित है ये रीबूट और ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म इसमें फ्रैंक मार्टिन के रूप में एड्स कैरीन रे स्टीवेंसन लोन चैबिनोल गैब्रियला राइट ताज्जाना पाजकोविच वेंक्सिया यू रेडिवोजें बुकविक लेन कुद्रजाविस्की अनातोले ताउमैन और नोएमी लेनोयर शामिल हैं फिल्म में फ्रा का खुद को अन्ना चबनौल द्वारा रचित एक बैंक डकैती और अपहरण की साजिश में फंसा हुआ पाता है चौथी ट्रांसपोर्टर फिल्म में मूल फ्रेंचाइजी स्टार जेसन स्टैथम को शामिल करने की योजना बनाई गई थी जिन्हें अतिरिक्त किश्तों के निर्माण के लिए यूरोपाकॉप के साथ तीन फिल्मों का सौदा करने की पेशकश की गई थी स्टैथम के साथ बातचीत विफल होने के बाद स्क्रीन को काम पर रखा गया और फ्रेंचाइजी को फिर से शुरू किया गया जिसमें पहली तीन फिल्मों से कोई वापसी करने वाला कलाकार नहीं था मुख्य फोटोग्राफी पेरिस में हुई ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड को नाटकीय रूप से 4 सितंबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और पांच दिन बाद यूरोपाकॉप द्वारा फ्रांस में रिलीज किया गया था यह मुख्य रूप से यूरोपाकॉप द्वारा वितरित पहली ट्रांसपोर्टर फिल्म है फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने पटकथा की आलोचना की और इसे अन्य ट्रांसपोर्टर फ़िल्मों की तुलना में कमज़ोर पाया इसने दुनिया भर में बहत्तर डॉलर और 60 सेंट मिलियन की कमाई की कथानक उन्नीस में रूसी अपराधी डकैत अर्कडी कारसोव और उसके सहयोगियों लियो इमासोव और यूरी ने फ़्रेंच रिवेरा में प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के यौन तस्करी के कारोबार को अपने कब्ज़े में ले लिया वेश्याओं में से एक युवा अन्ना और मैसा है करासोव मैसा को अपने साथ ले जाने में रुचि लेता है पंद्रह साल बाद अन्ना किसी को कारासोव के आपराधिक उद्यम को ख़त्म करने की अपनी योजना को लागू करने के लिए बुला रही है पूर्व विशेष बल संचालक फ्रैंक मार्टिन अपनी ऑडी ऑडीऐसेट में संदिग्ध ग्राहकों के लिए वर्गीकृत पैकेज और लोगों के परिवहन के लिए एक कुशल ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं फ़्रैंक एक सेवानिवृत्त एम आई छह एजेंट और फ़्रैंक जूनियर के पिता फ़्रैंक मार्टिन सीनियर को चुनता है बाद में उस रात कार्ल्टन कांस होटल में अन्ना और कियाओ ने करासोव के पैसे के प्रभारी अकाउंटेंट को मार डाला भागने से पहले उन्होंने होटल के कमरे में एक मृत वेश्या का शव रख दिया फ्रैंक जूनियर के आवास पर अपने पिता के साथ रात्रि भोज के दौरान एना फ्रैंक जूनियर को एक ट्रांसपोर्टर के लिए बुलाती है और उसे होटल बैरियर ले मैजेस्टिक कांस में उससे मिलने के लिए कहती है अगली सुबह कार्सोव और उसकी महिला मैसा को पता चलता है कि उसके अकाउंटेंट की हत्या कर दी गई है और एक मृत वेश्या उसके समूह का हार पहने हुए पाई जाती है इस बीच फ्रैंक जूनियर की मुलाकात अन्ना से होती है जो फ्रैंक जूनियर को मूंटे कार्लो में मेडिटरनियन बैंक में उसे लेने के लिए कहती है और फ्रैंक जूनियर उसे स्वीकार कर लेता है फ़्रैंक जूनियर बैंक में अन्ना से मिलता है जहां उसके साथ कियाओ और मारिया सहित तीन महिलाएं शामिल होती हैं संदेह होने पर फ्रैंक महिलाओं को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है लेकिन वे फ्रैंक जूनियर को सहयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए उसे बंदूक और उसके पिता को बंदूक की नोक पर पकड़े जाने का एक लाइव वीडियो दिखाकर धमकाते हैं फ़्रैंक जूनियर भाग जाता है और पुलिस से भागने में सफल हो जाता है फ्रैंक महिलाओं को एक सुरक्षित घर में ले जाता है और जीना और उसके पिता से मिलता है एना ने खुलासा किया कि उसके पिता को जहर दिया गया था और अगर फ्रैंक जूनियर ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था तो वह मर जाएगा क्योंकि उनके पास मारक दवा है फ्रैंक अनिच्छा से स्वीकार करता है और अन्ना फ़्रैंक जूनियर से कहता है कि वे संवेदनाहारी गैस चुराने जा रहे हैं फ्रैंक जूनियर को पता चलता है कि अन्ना और महिलाएं करासोव की पूर्व वेश्याएं थीं जिनके साथ उन्होंने सेना में रहते हुए एक इतिहास साझा किया था इस बीच करासोव और मैसा को पता चला कि महिलाओं ने करासोव के सहयोगियों की सूची वाली एक लॉगबुक चुरा ली है और करासोव को एहसास हुआ कि फ़्रैंक जूनियर शामिल था फ़्रैंक जीना कियाओ और अन्ना को इमासोव के स्वामित्व वाले एक रेव पार्टी क्लब में ले जाता है उन्होंने इमासोव सहित क्लब के सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए गैस बंद कर दी जिससे उन्हें उसकी उंगलियों के निशान मिल गए जिससे उन्हें उसके बैंक खाते तक पहुंच मिल गई और अन्ना ने पैसे उसके खाते में स्थानांतरित कर दिए फ़्रैंक सीनियर और मारिया यूरी के विमान में घुसपैठ करते हैं और फ़्रैंक जूनियर द्वारा उन्हें लेने से पहले उसकी उंगलियों के निशान अपने खाते में सुरक्षित कर लेते हैं मारिया को यूरी के एक अंगरक्षक ने गोली मार दी थी इसलिए अन्ना के ये बताने से पहले कि जहर एक चाल थी वे उसकी जान बचाने के लिए उसे वापस सुरक्षित घर में ले गए लड़कियों के काम पूरा करने के बाद फ़्रैंक जूनियर और सीनियर चले जाते हैं करासोव के सहयोगियों ने करासोव से फ्रैंक जूनियर और उसके समूह की लड़कियों के साथ उसके इतिहास के बारे में पूछताछ की इसलिए करासोव ने फ्रैंक सीनियर का अपहरण कर लिया और फ़्रैंक जूनियर को फ़ोन किया और मांग की कि वह लड़कियों को अपनी नौक पर ले आए अन्यथा वह उसके पिता को मार डालेगा फ़्रैंक जूनियर लड़कियों के पास लौट आता है लेकिन जीना समूह छोड़ देती है फ़्रैंक जूनियर महिलाओं को करासोव की नौक पर ले जाता है यूरी और इमासोव नौक पर आए उन्होंने करासोव पर उनके पैसे चुराने का आरोप लगाया और अन्ना ने आरोप लगा या कि करासोव ने लड़कियों को उनके लिए उनके पैसे चुराने का आदेश दिया था करासोव अपने सहयोगियों को अपना खाता दिखाता है लेकिन जीना नौक पर चढ़ने और चुराए गए सभी पैसे उसके खाते में स्थानांतरित करने में सफल हो जाती है डबल क्रॉस एक गोलीबारी होती है जिसमें कियाओ और मारिया गोलीबारी में मारे जाते हैं मैसा द्वारा जीना को गोली मारने से पहले जीना ने पैसे वापस चुरा लिए इससे पहले कि मैसा पैसे वापस ले पाती जीना ने मैसा का गला घोंट दिया और फिर उसके घाव ने दम तोड़ दिया फ्रैंक जूनियर एक चट्टान पर करासोव का सामना करता है अन्ना हस्तक्षेप करता है करासोव को गोली मारता है और ऊ सके शरीर को समुद्र में गिरा देता है फ्रैंक जूनियर अन्ना को अपना बदला लेने का जीवन छोड़ने के लिए मनाता है और अन्ना वहां से चली जाती है एक महीने बाद एना चुराए गए पैसे को अपने दोस्तों के परिवारों और फ्रैंक जूनियर और सीनियर को बांट देती है कास्ट करें फ्रैंक मार्टिन जूनियर के रूप में एड्स क्रेन एक पूर्व भाड़े का अनुबंध चालक जिसे मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टर के रूप में जाना जाता है फ़्रैंक मार्टिन सीनियर एक सेवानिवृत्त गुप्त एजेंट और फ्रैंक के पिता के रूप में रे स्टीवेंसन अन्ना के रूप में लोन चबनौल चार भागी हुई यौन दासियों में से एक जो फिल्म की घटनाओं से 15 साल पहले की एक घटना के लिए कारसोव से बदला लेना चाहती है जीना के रूप में गैब्रिएला राइट अन्ना की दोस्त और चार भगोड़ी सेक्स गुलामों में से एक जो काराससोव के खिलाफ निकली थीं मारिया के रूप में तात्जाना पाजकोविच अन्ना की दोस्त और चार भगोड़ी सेक्स गुलामों में से एक कियाओ के रूप में यूवेंक्सिया, अन्ना की दोस्त और चार भगोड़ी सेक्स गुलामों में से एक रेडिवोजें बुकविक एसआर अर्कडी कारसोव के रूप में एक शक्तिशाली रूसी डकैत जिसने फ्रैंक के पिता साथ ही फ़्रैंक के पूर्व भाई बहन का अपहरण कर लिया था और फिल्म की घटनाओं से पन्द्रह साल पहले हुई घटना के लिए ज़िम्मेदार था जिसमें अन्ना और शामिल थे उसके दोस्त मैसा के रूप में नोआमी लेनोयर लियो इमासोव के रूप में लेन की अपने बैंकों को लूटने के लिए अन्ना की हिटलिस्ट में दूसरा व्यक्ति जो नाइट क्लब नृत्य पार्टियों की मेजबानी करता है यूरी के रूप में यूरी कोलोकोलनिकोव उनके बैंकों को लूटने के लिए अन्ना की हिटलिस्ट में तीसरा व्यक्ति है और उसके पास एक विमान है इंस्पेक्टर बैक्टॉय के रूप में समीर गुएस्मी स्टेनिस्लाव टर्गिन के रूप में अनातोले ट्यूबमैन उत्पादन 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में यूरोपाकॉप और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स के सह निर्माण और शीर्षकों के वितरण के साथ एक नई त्रय की घोषणा की गई थी चार पांच प्रत्येक फिल्म का बजट संभवतः 25 यूरो मिलियन से 30 यूरो मिलियन के बीच होगा और कम से कम एक फिल्म की शूटिंग चीन में की जाएगी छह ल्यूक बेसन सभी फ़िल्मों का सह वित्तपोषण वितरण निर्माण और लेखन करेंगे साथ जेसन स्टैथम के साथ बातचीत विफल होने के बाद फ़्रेंचाइजी को फिर से शुरू किया गया यूरोपाकॉप चाहता था कि स्टैथम पहले स्क्रिप्ट का खुलासा किए बिना तीन अनुबंध सौदे पर हस्ताक्षर करे अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ़्रैंक मार्टिन के रूप में स्टैथम की जगह ली 8 मार्च 2015 में शीर्षक को द ट्रांसपोर्टर लिगेसी से बदलकर द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज कर दिया गया फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 अगस्त 2014 को पेरिस फ्रांस में शुरू हुई नौ एक शून्य एक एक दो रिलीज ये फिल्म पहले 6 मार्च 2015 को रिलीज होने वाली थी 9 पाँच नवंबर 2014 को यूरोपाकॉप ने फिल्म को 19 जून 2015 को रिलीज़ करने के लिए स्थानांतरित कर दिया 13 एक अप्रैल 2015 को यूरोपा को यूरोपाकॉप ने फिल्म को फिर से 4 सितंबर 2015 पर ले जाया 14 बॉक्स ऑफिस ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $16 डॉलर मिलियन और अन्य क्षेत्रों में छप्पन डॉलर और 60 सेंट मिलियन की कमाई की जिससे दुनिया भर में कुल बहत्तर डॉलर और साठ सेंट मिलियन की कमाई हुई थ्री अठारह दशमलव तीन मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इसका सबसे बड़ा क्षेत्र चीन था 15. उत्तरी अमेरिका में अपने शुरुआती सप्ताहांत में फ़िल्म ने सात डॉलर और चालीस सेंट मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर चौथे स्थान पर रही ये चीन में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सी एन सिक्सटी नाइन मिलियन की कमाई के साथ चौथे स्थान पर था 16. आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आइकन इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है आप इसे जोड़कर मदद कर सकते हैं सितंबर 2015। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है रोटेन टोमैटोज पर फिल्म को 104 समीक्षाओं के आधार पर 15 प्रतिशत की अनुमोदन रेटिंग मिली है जिसकी औसत रेटिंग तीन आठ बटा दस है साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड के पास कुछ अच्छे एक्शन दृश्यों के अलावा देने के लिए बहुत कम है जिससे इस रिबूट का शीर्षक उद्देश्य की पुनरावृत्ति की तुलना में इच्छाधारी सोच जैसा लगता है सत्रह मेटाक्रिटिक पर फिल्म को चौबीस आलोचकों के आधार पर सौ में से बत्तीस का भारत औसत स्कोर मिला है जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है अठारह सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण में शामिल दर्शकों ने फिल्म को ए जोड़ से एफ पैमाने पर बी घटाव का औसत ग्रेड दिया उन्नीस आईजीएन ने इसे दस में से सात दशमलव शून्य का स्कोर देते हुए कहा इस रीबूट पर जेसन स्टैथम की छाया बड़ी थी लेकिन एड स्क्रेन ने इसे पकड़ लिया जिसका अर्थ है कि फ़्रेंचाइजी सुरक्षित हाथों में है 20 एडवर्ड जॉर्ज स्क्रेन एसके आर आ एन एक जन्म उनतीस मार्च उन्नीस एक अंग्रेजी अभिनेता फिल्म निर्माता और रैपर हैं उन्हें सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म डेडपूल 2016 में खलनायक फ्रांसिस फ्रीमैन अजाक्स के रूप में पहचान मिली उन्होंने द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड 2015, एलिटा बैटल एंजल 2019 और मिडवे 2019 फिल्मों में भी अभिनय किया प्रारंभिक जीवन एडवर्ड जॉर्ज स्क्रेन का जन्म 29 मार्च उन्नीस को लंदन के कैम्डिन बोरो में हुआ था और वे वहीं और लंदन के अन्य बोरो जैसे कि हारिंगी और इसलिंगटन में पले बढ़े उनके दादा दादी वियना से ऑस्ट्रियाई यहूदी शरणार्थी थे जो 1930 के दशक में नाज़ियों से बचने के लिए इंग्लैंड चले गए थे उनकी दादी किंडर ट्रांसपोर्ट पर आईं। दो तीन चार पाँच उन्होंने फोटिस में स्कूल में पढ़ाई की तीन फिर ब्याम स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट पेंटिंग में बीए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की करियर, संगीत 2004 में स्क्रेन ने रिकॉर्ड लेबल डेंटेड रिकॉर्ड्स के तहत एक तीन ट्रैक ईपी जारी किया 2007 में उन्होंने अपना पहला एल्बम द ईट अप रिलीज किया उन्होंने फॉरेन बैगर्स एशियन डब फाउंडेशन प्लान बी डब्लेज और डॉक ब्राउन सहित कई कलाकारों के साथ सहयोग किया है उस वर्ष बाद में स्क्रेन ने समूह ए स्टेट ऑफ माइंड के साथ एक सहयोगी ईपी प्री एम्प्टिव नॉस्टाल्जिया जारी किया 2009 में स्क्रेन ने रैपर डॉक्टर सिंटेक्स के साथ मिलकर स्कैरिंटैक्स नाम से सहयोगी एल्बम सीन स्टीलर्स लाया सात अभिनय स्क्रेन ने अपने अभिनय की शुरुआत प्लान बी की लघु फिल्म मिशेल से की आठ स्क्रेन को उनकी पहली मुख्य भूमिका प्लान बी के मैनर्स में मिली स्क्रेन ने टेलीविजन श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स के तीसरे सीजन में डारियो नाहरिस की भूमिका निभाई हालांकि सीरीज के चौथे सीजन में उनकी जगह डच अभिनेता माइकल होइसमैन ने ले ली स्क्रेन का कहना है कि शो छोड़ना उनकी पसंद नहीं थी नाइन दो हज़ार चौदह में स्क्रेन को द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में जेसन स्टैथम की जगह मुख्य भूमिका में लिया गया था हालांकि फिल्म की आलोचना की गई लेकिन उनके अभिनय की प्रशंसा की गई एक शून्य एक, एक एक दो एक तीन दो शून्य एक छः में स्क्रीन ने ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म डेडपूल में मुख्य खलनायक अजाक्स की भूमिका निभाई एक चार एक पांच दो शून्य एक सात में स्क्रीन ओशन विजडम के आई कॉन्टैक्ट संगीत वीडियो में बुरे आदमी की भूमिका निभाते हुए भी दिखाई दिए सोलह दो हजार अठारह में स्क्रेन ने नताली डॉमर और स्टैसी मार्टिन के साथ मनोवैज्ञानिक बदला थरिलर इन डार्कनेस में अभिनय किया प्रमुख फोटोग्राफी 2016 की शुरुआत में शुरू हुई सत्रह व हेलबॉय रीबूट में बैन डेमियो अठारह एक जापानी अमेरिकी चरित्र के रूप में अभिनय करने वाले थे अपनी कास्टिंग पर विवाद के बाद स्क्रीन ने ट्विटर पर घोषणा की कि वह इस उम्मीद में भूमिका से हट रहे हैं कि उचित जातीयता के अभिनेता को कास्ट किया जाएगा एक नौ दो शून्य दो एक आठ नवंबर 2019 को उन्होंने रोलैंड एमरिज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मिडवे में अभिनय किया जिसमें मैंडी मूर पैट्रिक विल्सन ल्यू केवास, अरोन अखाट निक जोनास डैनिस क्वैद और वुडी हेरल्सन सह कलाकार थे दो, दो दो तीन दो चार दो पाँच दो छह दो सात 2022 में स्क्रेन ने आई यूज टू बी फेमस में विंस के रूप में अभिनय किया अट्ठाईस उनतीस द गार्जियन के लिए, लिए लिखते हुए लेस्ली फेलपेरिन ने फिल्म को तीन बटा पांच स्टार दिए इसे मधुर स्वभाव वाला लेकिन पूर्वानुमानित कॉमेडी ड्रामा कहा तीस लेखन एवं निर्देशन स्क्रीन ने लघु ड्रामा फिल्म लिटिल रिवर रन 2020 लिखी और निर्देशित की जो उनके इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से जारी की गई थी इकतीस व्यक्तिगत जीवन स्क्रेन का एक बेटा है जिसका जन्म 2011 में अमेरिका में हुआ था उन्होंने मां की पहचान का खुलासा नहीं किया है उनके तीन बच्चे हैं जैसा कि उनकी अगली फिल्म रैबेल मून के प्रचार के लिए एक साक्षात्कार में पता चला बत्तीस स्क्रेन 12 साल की उम्र से ग्रीनविच लीजर लिमिटेड के लिए तैराकी कोच रहे हैं कैलेडोनियन रोड और आर्कवे में अवकाश केंद्रों पर काम करते हैं जॉर्ज रैमंड स्टीवेंसन 25 मई उन्नीस सौ चौंसठ इक्कीस मई दो एक उत्तरी आयरिश अभिनेता थे उन्होंने फिल्म किंग आथर 2004 में डागोनेट और टेलीविजन श्रृंखला रोम 2005 2007 में टाइटस पुलो की भूमिका निभाई उन्होंने दो मावल कॉमिक्स पात्रों को चित्रित किया पुनिश वॉर जोन दो में फ्रैंक कैसल द पनिश और मावल सिनेमैटिक यूनिवर्स 2011 2017 में द सुपर हीरो स्क्वाड शो और वॉल्स्टैग उनकी अन्य फिल्मों में किल द आयरिशमैन (2011) शामिल है जहां उन्होंने डकैत डैनी ग्रीन की भूमिका निभाई द थरी मस्कीटियस (2011) और आरआरआर आर आर, (2022) जहां उन्होंने खलनायक गवर्नर स्कॉट की भूमिका निभाई उनकी टेलीविजन भूमिकाओं में डेक्स्टर के सातवें सीजन में यूक्रेनी डकैत इसाक सिरको ब्लैक सल्स के तीसरे और चौथे सीजन में ब्लैकबेट स्टार वार्ज रिबिल्ज़ और स्टार वार्ज द क्लोन वॉज में गार सैक्सन को आवाज़ देना और अहसोका में बेलन्स कोल को चित्रित करना शामिल है स्टीवेंसन की शादी आठ साल तक अंग्रेजी अभिनेत्री रूथ जैमिल से हुई थी और इतालवी मानव विज्ञानी एलिस्बेटा कारासिया से उनके तीन बेटे थे स्टीवेंसन की मृत्यु 21 मई 2023 को हुई मृत्यु का कोई कारण सामने नहीं आया है प्रारंभिक जीवन जॉर्ज रेमन स्टीवेंसन का जन्म 25 मई 1964 को उत्तरी आयरलैंड के काउंटी एंट्रीम के लिस्बन में हुआ था वह एक ब्रिटिश पिता और एक आयरिश माँ से पैदा हुए तीन बेटों में से दूसरे थे उनके पिता रॉयल एयरफोर्स के पायलट थे एक वह आठ साल की उम्र में अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए पहले न्यूकैसल अपॉन टाइन के लैमिंगटन क्षेत्र में और बाद में सीटन डेलावल में बस गए उन्होंने डिजाइन कोर्स के लिए बाथलेन कॉलेज न्यूकैसल अपॉन टाइन और फिर ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल में दाखिला लिया और उनतीस साल की उम्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की उद्धरण वांछित करियर फिल्म स्टीवेंसन ने अपनी फिल्म की शुरुआत द थ्योरी ऑफ फ्लाइट उन्नीस में एक जिगोलो के रूप में की जिसे हेलेना बोनहम काटर के चरित्र को उसकी वजनिटी खोने में मदद करने के लिए काम पर रखा गया था दो हज़ार दो में उन्होंने लघु फिल्म नोमैन्स लैंड में अभिनय किया जो लंदन फिल्म स्कूल से स्नातक होने से पहले अभिनेता निर्देशक एडवर्ड हिक्स की एंटीपोडल तस्वीर थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई 12 मिनट की फ़िल्म में स्टीवेंसन ने एक अनुभवी निजी व्यक्ति का किरदार निभाया था जो युद्ध के दौरान नो मैंस लैंड दोस्तों इससे पहले जो पार्ट आया था उसके बारे में कुछ अपडेट मैं आपको बताऊं तो उसकी रिलीजिंग डेट चार सितंबर 2015 थी और कई जगह इसे रिलीज किया गया तकरीबन 9 अक्टूबर 2015 को फ्रांस के अंदर इसे रिलीज किया गया इंडिया के अंदर इसकी रिलीजिंग डेट यूनाइटेड स्टेट वाली थी यानी कि फर्स्ट वाली जो मैंने आपको बताई चार सितंबर दो को और साथ ही साथ दोस्तों इसे चीन और फरान में एक तरह से बनाया गया था तो मेन बीज इस लैंग्वेज इसकी इंग्लिश थी और साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेजों में से डेप करके कर रिलीज किया गया था और साथ ही साथ मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो बाईस मिलियन मूवी का टोटल बजट था और इसने जो कलेक्शन किया तकरीबन अस्सी मिलियन का कलेक्शन इसने किया तो इसके बारे में मैंने आपको सारे कुछ जानकारी बता ही दी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने की एक तरह से कृपया कीजिए के साथ ही साथ इसी के बारे में अब आगे थोड़ी और जानकारी मैं आपको देता टेलीविजन स्टीवेंसन ने बीबीसी एचबीओ सीरीज रोम में दिग्गज टाइटस पुलो की भूमिका निभाई उनके अन्य टेलीविजन कार्यों में वेकिंग द डेड मर्फीज लॉ में अतिथि भूमिका और सिटी सेंट्रल और एट होम विद द ब्रिथवेट्स में मुख्य भूमिकाएं शामिल थीं छह व उन्नीस में सम काइंड ऑफ लाइफ और द रिटर्न ऑफ द नेटिव सहित टीवी फिल्मों में भी दिखाई दिए उनके कुछ शुरुआती हिस्से कैथरीन कुकसन की दो फिल्मों में थे द दे डिवेलिंग प्लेस उन्नीस और द टाइड ऑफ लाइफ उन्नीस दो स्टीवेंसन ने द सुपर हीरो स्क्वाड शो में एक आवाज़ अभिनेता के रूप में पुनीशर की अपनी भूमिका को दोहराया और 2012 में डेक्स्टर के सातवें सीजन में इसाक सिरको की भूमिका निभाई दो 24 मार्च 2015 को निर्माताओं द्वारा ये घोषणा की गई थी कि स्टीवेंसन स्टार्स श्रृंखला ब्लैक सेल्स के पात्र एडवर्ड टीच के रूप में शामिल होंगे सात स्टीवेंसन 2022 में रिलीज हुई प्रशंसित श्रृंखला दास बूट के सीजन तीन में कमांडर जैक स्विनबन के रूप में भी दिखाई दिए स्टार वार्स सेलिब्रेशन 2023 में स्टीवेंसन को डिज़्नी जोड़ पर पहली बार शुरू होने वाली एक लघु श्रृंखला अहसोका में डार्क जेडी बायलान कोल की भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी नाइन स्टीवेंसन के निधन के बाद श्रृंखला की शुरुआत के बाद स्टीवेंसन का स्कोल जल्दी ही प्रशंसकों का पसंदीदा बन गया दस ग्यारह स्टीवेंसन की ओर से एक साक्षात्कार में श्रोता डेव फिलोनी ने कहा कि जब उन्हें स्कोल को खलनायक की भूमिका निभाने के लिए कहा गया तो स्टीवेंसन ने कहा मैं ऐसा नहीं सोचता मैं कहता हूँ ठीक है मैं सरा हना करता हूँ कि आप ऐसा नहीं सोचते हैं और बायलान यह नहीं सोचेगा कि वह खलनायक है लेकिन आप इसमें खलनायक हैं और वह कहता है हम देखेंगे यह एक तरह से उत्तम था बारह स्टीवेंसन ने अपने चरित्र के लाइट्सबेर हिल्ट के डिज़ाइन पर भी इनपुट दिया तेरा अहसोका में स्टीवेंसन के प्रदर्शन को आलोचकों से भी काफी प्रशंसा मिली मेट्रो ने उनके काम को संपूर्ण स्टार वार्स श्रृंखला के मुख्य आकर्षणों में से एक के रूप में वर्णित किया चौदह जबकि कोलाइडर ने स्टीवेंसन को एक अपरिहार्य गंभीरता के रूप में वर्णित किया और कहा कि उन्होंने चरित्र निर्माण में एक मास्टर क्लास दिया तेरह स्टेज स्टीवेंसन के मंचीय कार्य में 2000 में यॉर्क यॉकमिंस्टर में यॉर्क मिस्ट्री प्ले में यीशु मसीह की भूमिका निभाना शामिल था 2001 में उन्होंने लिंसे डंकन और माइकल मैलोनी के साथ लंदन के अल्बर्टी थिएटर में केविन एलियट के नाटक माउथ टू माउथ में रोजर की भूमिका निभाई उनका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा शायद 2003 में रॉयल नेशनल थिएटर में जेनेट मैकेटीर के साथ जॉन वेब्स्टर द्वारा द डचेस ऑफ माल्फी में कार्डिनल का किरदार था पंद्रह व्यक्तिगत जीवन उन्नीस में स्टीवेंसन ने लंदन में अंग्रेज़ी अभिनेत्री रूथ जेमेल से शादी की उनकी मुलाकात बैंड ऑफ गोल्ड उन्नीस के सेट पर हुई थी और बाद में उन्होंने पीक प्रैक्टिस उन्नीस में एक विवाहित जोड़े की भूमिका निभाई शादी के आठ साल बाद 2005 में उनका तलाक हो गया सोलाह स्टीवेंसन के इतालवी मानव विज्ञानी एलिस्बेटा कारासिया से तीन बेटे थे सत्रह मृत्यु स्टीवेंसन का उनके उनसठवें जन्मदिन से चार दिन पहले 21 मई 2023 को निधन हो गया अठारह नाइन मौत का कोई कारण सामने नहीं आया है लेकिन कथित तौर पर इटली के इस्चिया द्वीप पर कसिनो के सेट पर फ़िल्मांकन के दौरान उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था 1920 रोसारियो डॉसन स्कॉट एडकिंस और जेम्स प्योरफॉय सहित स्टीवेंसन के सह कलाकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की 19 कसिनो इन एस्चिया में स्टीवेंसन की भूमिका डोमिनिक परसेल ने संभाली 21 बाईस अगस्त 2023 को स्टीवेंसन की मृत्यु के ठीक तीन महीने बाद रिलीज हुए अहसोका के पहले एपिसोड में उनके प्रति एक समर्पण शामिल है हमारे दोस्त रे के लिए बाई सहसोका में स्टीवेंसन की ऑन स्क्रीन प्रशिक्षु की भूमिका निभाने वाली इवाना साखनो ने नौज पौराणिक कथाओं में चंद्रमा और सूर्य का पीछा करने वाले दो वार्गों के नाम पर उनके पात्रों के नाम रखे जाने के सम्मान में लिखा था कि वह हमेशा के लिए उनकी भेड़िया रहेंगी लोन चबनोल जन्म तीस दिसंबर एक नौ आठ दो एक दो एक अमेरिकी अभिनेत्री कलाकार और मॉडल हैं तीन उन्हें जॉन टेटुरो की कॉमेडी फेडिंग जिगोलो रोमांटिक ड्रामा थर्ड पर्सन एक्शन थ्रिलर द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड और हॉरर ड्रामा एंथोलॉजी टीवी श्रृंखला टेल्स ऑफ द दे वॉकिंग डेड में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है जीवन और करियर लोन चबनोल का जन्म 30 दिसंबर 1982 को पेरिस फ्रांस दो में हुआ था एक दो वह वियतनामी जर्मन और इतालवी मूल की हैं चार उनके प्रारंभिक वर्ष कलाकार बर्नार्ड बिस्टर्स के साथ कला कक्षाओं में बीते पाँच सोलह साल की उम्र में एलिट मॉडल मैनेजमेंट द्वारा खोजी गई वो एले और मैरी क्लेयर जैसी पत्रिकाओं के कवर पर रही हैं छह ट्वेंटी टेन में वो ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में अभिनय का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क चली गईं छ अभिनय चैबिनोल को उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका जॉन टटोरो की कॉमेडी फैडिंग जिगोलो में मिली 2014 में उन्हें मिला कुनिस के साथ थर्ड पर्सन में एक महत्वपूर्ण दयालु किरदार निभाते हुए सैम के रूप में चुना गया था साथ 2015 में उन्हें द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में मुख्य फीमेल फेटेल के रूप में चुना गया था आठ ट्वेंटी में चैबिनोल ने एंथोलॉजी श्रृंखला टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड की पहली किस्त में मुख्य भूमिका निभाते हुए द वॉकिंग डेड ब्रह्मांड में प्रवेश किया जो सफल एमसी श्रृंखला का नवीनतम अवतार है नौ कला कार्य दो में चैबनोल ने न्यूयॉर्क शहर में अपनी पहली एकल कला प्रदर्शनी खोली दस मोनिका वॉटकिंस द्वारा क्यूरेट की गई बॉर्न इन ब्लू दस ये शो एक लघु एनिमेटेड फ़िल्म के साथ आया था जिसमें महासागर के तल से जीवित होते फिनिक्स के जन्म को दर्शाया गया था उनके अगले काम नेम्सिस को दो में एल प्रदर्शनी में पेश किया गया था ग्यारह इसके बाद कई अन्य कलाकारों के साथ समूह शो वेराइज बारह प्रस्तुत किया गया था 2019 में उन्होंने अपनी पहली बच्चों की किताब ब्लूबू जारी की ब्राउन वुड्स में रहने वाले एक नील राक्षस की कहानी जो जंगल में बचे आखिरी कैटरपिलर से मिलती है प्रशस्ति पत्र आवश्यक व्यक्तिगत जीवन फरवरी 2020 में चबनौल अमेरिकी नागरिक बन गई चौदह फिल्मोग्राफी फीचर फिल्में फेडिंग जिगोलो 2013। तीसरा व्यक्ति 2014। ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड 2015। टीवी श्रृंखला वॉकिंग डेड की कहानियाँ 2022 हज़ार बाईस गैब्रियला राइट जन्म 19 जून उन्नीस एक अंग्रेज़ी अभिनेत्री और मॉडल हैं जिन्हें द ट्यूडर्स श्रृंखला में फ्रांस की रानी क्लाउड फिल्म द परफेक्ट हस्बैंड में वियोला और एक्शन थ्रिलर द ट्रांसपोर्टर रिफील्ड में जीना की भूमिका के लिए जाना जाता है अपने अभिनय और मॉडलिंग करियर के अलावा वह एक मानवतावादी और कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लिंग आधारित हिंसा और आत्महत्या की रोकथाम पर कई अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में योगदान दिया है प्रारंभिक जीवन राइट का जन्म 19 जून 1982 को लंदन के स्टॉक न्यूइंग्टन में एक मूर्तिकार और चित्रकार पॉल डेविड राइट और एक शिक्षिका और लेखिका एनी कैथरीन राइट के घर हुआ था एक दो उनके भाई बहन पॉलेट और पास्कल राइट हैं वह बारह साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ फ़्रांस चली गईं और अंग्रेज़ी साहित्य और सामाजिक अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की दो वह वर्तमान में लॉस एंजल्स में रहती हैं राइट के अभिनय प्रशिक्षकों में सुसान बैट्सन और जैक गार्फिन शामिल हैं प्रशस्ति पत्र आवश्यक अभिनय करियर 2004 में राइट ने विजय सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म वन डॉलर करी में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई दो 2007 में राइट ऐतिहासिक नाटक श्रृंखला द ट्यूडर्स में फ्रांस की रानी क्लाउड के रूप में दिखाई दी। तीन 2014 में राइट एचबीओ की अलौकिक ड्रामा सीरीज ट्रू ब्लड के सातवें सीजन में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने सिल्वी की भूमिका निभाई चार उन्होंने लुकास पवेटो द्वारा निर्देशित हॉरर फिल्म द परफेक्ट हस्बैंड में ब्रेट रॉबर्ट्स और कार्ल वॉटन के साथ मुख्य भूमिका निभाई पांच 2015 में राइट एक्शन थ्रिलर फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफिल्ड में दिखाई दिए जिसका निर्देशन छह सात कैमिली डैलामारे ने किया था आठ 2016 में राइट को फ़िल्म सिक्योरिटी में रूबी के रूप में लिया गया था जिसमें एंटोनियो बैंडरस और बैन किंग्सले थे नौ no. दो में राइट ने एक्शन टीम में रेबेखा वोल्ट की भूमिका निभाई जो जेम्स डी फ्रोंड द्वारा निर्देशित एक जासूसी कॉमेडी स्पूफ थी राइट ने पैट्रिक ह्यूजिस द्वारा निर्देशित 2021 अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड में एंटोनियो बैंडरस के चरित्र के लिए व्यक्तिगत हिटवुमन वैरोनिका की भूमिका निभाई सक्रियता राइट का मानवीय जुड़ाव दो से है वो प्रोडक्शन कंपनी कॉन्शियस इंटेंट की संस्थापक हैं जो मानव कहानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मीडिया प्रारूपों का समर्थन करती है दस 2019 में उन्होंने मिशेल पास्कल द्वारा निर्देशित नेवर अलोन का निर्माण किया ग्यारह जो अलोन बारह वैश्विक अभियान के लिए प्रेरणा थी जिसे उन्होंने दीपक चोपड़ा के साथ स्थापित किया था तेरह इसके अलावा चोपड़ा के साथ उन्होंने ध्यान और योग अनुप्रयोग माइंड डाइव में टेलीपैथी और ऑटिज्म नामक श्रृंखला में योगदान दिया चौदह जिसे उन्होंने ध्यान विज्ञान योग के माध्यम से तनाव को कम करने और आघात से राहत देने के लिए एक उपकरण के रूप में विकसित किया और फिल्में वह एमिटी फाउंडेशन द्वारा सुविधा प्राप्त ग्रेटर लॉस एंजल्स क्षेत्र में पैरोलियों के साथ अपना ध्यान अभ्यास साझा करती है 15 व पावर की सद्भावना राजदूत हैं जो विकासशील देशों के लिए सामाजिक आर्थिक प्रभाव मॉडल वाली एक सौर कंपनी है और म्यांमार में एक जमीनी स्तर की चैरिटी की मानद अध्यक्ष हैं जो यांगून और उसके आसपास की मलिन बस्तियों में काम करती है प्रशस्ति पत्र आवश्यक एक प्रेरक वक्ता के रूप में वो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की वकालत करती हैं और उन्होंने लंदन 2018 और लॉस एंजल्स 2019 में महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला और यूएन ट्रस्ट फंड 16 के लिए अपनी आवाज़ दी है निकोल किडमैन वह डिफ़िकल्ट डायलॉग्स फोरम 2018 में एक अतिथि वक्ता रही हैं जिसमें भारत और हॉलीवुड में मी टू आंदोलनों की तुलना की गई है और उन्होंने कार्नेगी हॉल में कई बार आघात के उपचार ध्यान की शक्ति और पूर्णता की तलाश कैसे की जाए इस पर भी बात की है जीवन की परिस्थितियों का उनकी हालिया सगाई में जिम्बाब्वे की हिंसा से बची एक युवा महिला की शक्तिशाली कहानी दिखाई गई जिसे उन्होंने 24 अक्टूबर 2019 को बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित पहले यूएन ट्रस्ट फंड ग्रांटी कन्वेंशन के उद्घाटन और आत्महत्या पर एक सेमिनार में सुनाया रोकथाम और आत्म जागरूकता जो उन्होंने 3 जनवरी 2020 को भारत के अमृता विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय में दिया 18. व्यक्तिगत जीवन राइट ने 2005 में निर्माता थियरी क्लेमेनियुक से शादी की तीन ट्वेंटी में उनका तलाक हो गया फिल्म एडल्टहुड 2008 में सहायक भूमिका के साथ प्लान बी ने फिल्म के साउंडट्रैक के लिए तीन गाने रिकॉर्ड किए एंड इन द स्ट्रीट्स एडम डैकोन के साथ ऑनिथ शून्य आठ और रैले रिचि के साथ आई नीड लव प्लान बी को चेज एंड स्टेटस सिंगल पीसेज में भी प्रदर्शित किया गया जो 2008 में यूके डांस चार्ट में शीर्ष पर रहा और यूके सिंगल्स चार्ट पर सत्तरवें नंबर पर पहुंच गया तेरह दो में प्लान बी ने रिज एमसी और स्वे के साथ शिफ्टी रिकॉर्ड किया 11 जिसे साउंडट्रैक से एरन क्रीवी की फिल्म शिफ्टी 2009 हजार म हटा दिया गया जिसमें रिज अहमद रिज एमसी और डैनियल मेस ने अभिनय किया था इसके अलावा 2009 में प्लान बी ने हैरी ब्राउन में नोएल विंटर्स की भूमिका निभाई और एंड क्रेडिट्स के साथ अपना पहला शीर्ष दस हिट एकल हासिल किया तेरा चेज एंड स्टेटस के साथ एक और सहयोग जो हैरी ब्राउन के साउंडट्रैक में प्रदर्शित हुआ 2009 हज़ार नौ ट्वेंटी स्ट्रिकलैंड युग और मैनर्स प्लान बी का दूसरा एल्बम और फिल्म द डिफेमेशन ऑफ स्ट्रिकलैंड बैंक्स 12 अप्रैल 2010 को रिलीज हुई थी एल्बम का मुख्य एकल स्टे टू लॉन्ग यूके सिंगल्स चार्ट पर नौवें नंबर पर पहुंच गया तेरह एल्बम का अगला एकल लव गोज़ डाउन एक आधिकारिक संगीत वीडियो के साथ था जिसमें एंडी क्रेन पॉल यंग एबीएम बटलर विकी मैक्लर और कायास्कोडारियो शामिल थे जिसका अपना प्रीमियर 16 नवंबर 2010 को हुआ था 15 उन्होंने 26 मार्च 2010 को रॉयल एल्बर्ट हॉल में अपने एकल शो की दूसरी रात में नोएल गैलाघेरी का समर्थन किया 16 और 23 मई 2010 को न्यू म्यूजिक वी ट्रस्ट मंच पर रेडियो एक बिग वीकेंड में बैंगोर में प्रस्तुति दी उन्होंने अक्टूबर 2010 में लंदन के राउंडहाउस में एल्टन के बीबीसी इलेक्ट्रिक प्रोम्स प्रदर्शन के हिस्से के रूप में एल्टन जॉन के साथ आई गैस दैट वाई दे कॉल इट द ब्लूज़ का युगल प्रदर्शन किया 16 फरवरी 2011 को ड्रू ने ब्रिट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश पुरुष का पुरस्कार जीता उस वर्ष बाद में उन्होंने घोषणा की कि वह द बईलाड ऑफ़ बेलमार्श नामक एक नए एल्बम पर काम कर रहे थे जो एक हिप हॉप अवधारणा एल्बम था जो प्लान B के परिवर्तन अहंकार स्ट्रिकलैंड बैंक्स की कहानी कहता था बाद में फ़िल्म इल मैनर्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एल्बम पर काम रोक दिया गया और अंततः इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया मार्च 2012 में उन्होंने इल मैनर्स के लिए एकल और वीडियो जारी किया एक गीत जिसमें पीटर फॉक्स के एल्स न्यू का एक नमूना शामिल है जो 2011 के लंदन दंगों से संबंधित है और जिसे द गार्जियन द्वारा द गार्जियन के रूप में वर्णित किया गया था वर्षों में पहला महान मुख्यधारा विरोध गीत सत्रह इसी नाम का एक साउंडट्रैक एल्बम और फिल्म लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में ड्रू की पहली जून 2012 में रिलीज हुई इसके बाद तीन और एकल रिलीज हुए लॉस्ट माई वे डीपेस्ट शेम और प्लेइंग विद फायर जुलाई 2012 में ड्रू ने शॉर्टलिस्ट पत्रिका के कवर पर सफेद वर्चस्ववादी रॉक बैंड स्क्रूड्राइवर की टी शर्ट पहने हुए दिखाई देने के बाद माफी जारी की 18. ड्रू ने क्वाब्स द्वारा निर्मित प्रे फॉर लव 6 मई 2014 को रिलीज किया 19. 2017 वर्तमान हेवन बिफोर ऑल हेल ब्रेक्स लूज 18 मई 2017 को ड्रू ने पांच वर्षों में अपना पहला एकल इन द नेम ऑफ मैन जारी किया और घोषणा की कि वह स्टूडियो में ट्विटर के माध्यम से एक एल्बम रिकॉर्ड कर रहे थे एल्बम हेवन बिफोर ऑल हेल ब्रेक्स लूज तेरह अप्रैल 2018 को जारी किया गया था उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि यह एल्बम उनके पहले दो एल्बमों की तुलना में कम हिप हॉप उन्मुख है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं अगर मैं उच्च जीवन जी रहा हूं और चीज़ों के दूसरे पक्ष के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो अपने प्रति ईमानदार हूं। बीस ड्रू ने कहा कि उन्होंने पिता बनने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संगीत उद्योग से कुछ समय की छुट्टी ले ली है और दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने के लिए उन्होंने कहा कि इलमैनर्स की रिलीज़ के बाद उन्हें अलग थलग महसूस हुआ मैनर्स के अंत में मुझे आध्यात्मिक रूप से खोया हुआ महसूस हुआ मैंने वास्तव में 2009 के बाद से अपने परिवार रा को नहीं देखा था कुछ मित्रताएं पूरी तरह से खत्म हो रही थीं मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि मैं गंभीरता से लिए जाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, मान्यता के लिए संघर्ष कर रहा हूं और अचानक मेरे पास सब कुछ था और मैंने सोचा अरे मेरे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है इक्कीस फिल्मी करियर अभिनय पहले 2005 में इयान फोसित और जेन पोलार्ड की लघु फिल्म वॉकिंग आफ्टर एकॉन्सी रिडायरेक्टेड एप्रोचेस में दिखाई देने के बाद 22 ड्रू की पहली प्रमुख फिल्म भूमिका नोएल क्लार्क की एडल्टहुड 2008 में एक सहायक चरित्र डैब्स के रूप में थी 23 उनके गीत किड्स को पहले किडुलटूड 2006 हजार के साउंडट्रैक में शामिल किया गया था जिसके कारण ड्रू को अगली कड़ी में लिया गया 2009 में ड्रू को डैनियल बाबर की फिल्म हैरी ब्राउन में नोएल विंटर्स की एक और सहायक भूमिका मिली तेईस जिसमें माइकल कैन ने अभिनय किया था 2010 में ड्रू नोएल क्लार्क की फिल्म चार डॉट तीन डॉट दो डॉट एक में दिखाई दिए तेईस ड्रू की सबसे हालिया भूमिका 1970 के दशक के इसी नाम के ब्रिटिश टीवी शो पर आधारित द स्वीनी फिल्म में रे विंस्टन के साथ सह कलाकार की रही है जो जॉर्ज कार्टर की भूमिका निभा रहे हैं ये फिल्म 12 सितंबर 2012 को रिलीज हुई और सीधे बॉक्स ऑफिस चार्ट में नंबर एक पर पहुंच गई चौबीस निर्देशन ड्रू ने अपने संगीत करियर की शुरुआत में फिल्म में काम करने में रुचि व्यक्त की हु नी रेक्शन वेन यू वर्ड्स के बारे में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा हम अभी भी इस एल्बम का प्रचार कर रहे हैं और मैंने अगले एल्बम पर काम शुरू कर दिया है लेकिन मैं वास्तव में इस समय फिल्म में शामिल हो रहा हूं मैं लिख रहा हूँ ये स्क्रिप्ट और मैं वास्तव में इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय निकालना चाहता हूँ मुझे वास्तव में लगता है कि यही मेरी किस्मत में है पच्चीस 2008 में ड्रू ने अपनी पहली लघु फिल्म मिशेल का निर्देशन किया 26 जिसमें एडम डैकोन और एड स्क्रेन ने अभिनय किया उन्होंने पीसेस चेज एंड स्टेटस के साथ उनका सहयोग के लिए संगीत वीडियो का भी निर्देशन किया ड्रू ने सितंबर 2010 में अपनी पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म इलमैनस का निर्माण शुरू किया मार्च 2010 में यूके के आत्मा लेखक पीट लुइस पुरस्कार विजेता ब्लूज एंड सोल के उप संपादक से बात करते हुए ड्रू ने इल मैनर्स का वर्णन किया यह एक हिप हॉप संगीत आधारित फीचर फिल्म है जिसमें छह छोटी कहानियां हैं जो एक साथ मिलकर एक बड़ी कहानी बनाती हैं और प्रत्येक मिनी कहानी को एक अलग हिप हॉप ट्रैक द्वारा दर्शाया जाएगा ये सब मेरे द्वारा सुनाया जाएगा और यह वास्तव में द डिफेमेशन ऑफ स्ट्रिकलैंड में कस के विपरीत होगा इसमें इल मैनर्स के साथ फिल्म पहले आएगी और साउंड ट्रैक बाद में आएगा और फिर साउंड ट्रैक नेत्रहीनों के लिए एक फिल्म होगी उसमें आप इसे सुन पाएंगे और यह आपको फिल्म की कहानी बताएगा नोआमी लेनोयर जन्म 19 सितंबर उन्नीस थ्री एक फ्रांसीसी मॉडल और अभिनेत्री हैं वह गुच्छी लोरियल नेक्स्ट गैप टॉमी हिलफिगर विक्टोरिया सीक्रेट बालमेन पेरिस हेयर काउचर और मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ अपने काम के लिए जानी जाती हैं प्रारंभिक जीवन 2005 के कांस फिल्म समारोह में नोएमी लेनोएर लेनो का जन्म लेस उलिस एसोन एस फ्रांस में हुआ था चार उनकी माँ एक सफाई महिला हैं और हिंद महासागर में फ्रांसीसी द्वीप रियूनियन से आती हैं जबकि उनके पिता मुख्य भूमि फ्रांस से हैं और एक इलेक्ट्रीशियन हैं चार जब वह सत्रह वर्ष की थी लेनो को फोर्ड मॉडलिंग एजेंसी ने देखा और न्यूयॉर्क में मॉडलिंग शुरू कर दी 2015 में नोआमी लेनोयर करियर पेरिस के पास एक बैनलियू जिले में पली बड़ी जिसे वह यहूदी बस्ती कहती है लेनो को पहली बार उन्नीस में सत्रह साल की उम्र में देखा गया था जब एक डाकघर में एक फ़ोर्ड बुकर ने उनसे संपर्क किया था पाँच उन्होंने उन्नीस में लोरियल के साथ अनुबंध किया और तब से लिटिटिया कास्टा और दीर्घकालिक मॉडल और अभिनेत्री एंडी मैकडोवेल के साथ उनके विज्ञापनों में दिखाई दी उन्होंने विक्टोरियाज सीक्रेट गैप नेक्स्ट और कई अन्य के लिए भी काम किया है लेनोए क्रिसमस 2009 तक चार वर्षों तक यूके के हाई स्ट्रीट रिटेलर मार्क्स एंड स्पेंसर का चेहरा थे उद्धरण वांछित छः और उन्हें साथी मॉडल एरिन ओ कॉर्न ट्विगी और लॉरा के साथ विभिन्न ब्रिटिश टीवी विज्ञापनों पत्रिकाओं और बिलबोर्ड में देखा गया था बेली लेनोअर 2012 में मार्क्स एंड स्पेंसर के विज्ञापन में लौट आईं जहां उन्हें सर्वोत्कृष्ट ब्रिटिश मनोरंजन के चयन का आनंद लेते हुए देखा गया सात 2007 में लेनो ने अभिनेता जैकी चैन और क्रिस टकर के साथ हिट फिल्म रश ओवर तीन में अभिनय किया 2009 में लेनोयर ने अशर के एकल है डैडी डैडीज होम के संगीत वीडियो में अभिनय किया आठ उसका प्रतिनिधित्व मॉडल एक द्वारा किया जाता है नौ व्यक्तिगत जीवन 2015 हजार कांस फिल्म फेस्टिवल में नोएमी लेनोयर रैपर स्टोमी बग्सी के साथ रिश्ते के बाद वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी क्लाउड मैकेले के साथ रहीं दस उनका एक बेटा है दस दो हज़ार नौ की शुरुआत में ये जोड़ी अलग हो गई ग्यारह लेनोयर ने अगस्त दो हज़ार पंद्रह में एक बेटी को जन्म दिया बारह आत्महत्या का प्रयास नौ मई दो हज़ार दस को लेनो को उसके पेरिस स्थित घर के पास एक पार्क में अपने कुत्ते को घुमाने वाले एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के संदिग्ध प्रयास के बाद बेहोश पाया गया था उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसके शरीर में बड़ी मात्रा में ड्रग्स और अल्कोहल पाया गया एक तीन एक चार एक पाँच उन्होंने फरवरी 2011 में ब्रिटेन की गार्जियन वीकेंड पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में आत्महत्या के प्रयास के बारे में बात की और स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तव में कुछ वास्तव में बेवकूफ़ी भरा कुछ किया है पाँच कुछ लोगों ने इस घटना को एम्ब्रोस ऑल्सिन डॉल किम टॉम निकॉन हेले कोहले और रुस्लाना कोरशुनोवा की आत्महत्याओं के साथ साथ उस समय फैशन उद्योग में चल रही आत्मघाती त्रासदियों की श्रृंखला के एक मामले के रूप में संदर्भित किया है सोलह टेलीविजन नेक्स्ट टॉप मॉडल साइकिल 6। एक एपिसोड 19 जुलाई 2010। हज़ार दस डांस एवै स्टॉस प्रतियोगी 2013 उन्होंने दो साल तक ट्रेस टीवी पर एक शो की मेजबानी की वह 2009 के सभी तीन मार्क्स और स्पेंसर क्रिसमस टीवी विज्ञापनों में दिखाई देती हैं जो आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम दोनों में प्रसारित होते हैं सत्रह फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका निदेशक टिप्पणियाँ 2002 हजार दो एस्टरिक्स और ओबेलिक्स मिशन क्लियोपेट्रा गोइम्योकीस एलेन चबात 2003 हजार तीन गोमेज और तवारिस जीना गर्ल्स पैक्वेड ब्रेनर 2004 सूर्यास्त के बाद मूरे की लड़की ब्रेट रैटना जे फेट लियो फ्लिक्सेट ज्यूमो अन्ना एटने डेने टीवी श्रृंखला एक एपिसोड 2006 वैलेट कारीन फ्रांसिस वेबर। 2007 व्यस्त घंटे तीन गैनेवेव ब्रेट रैटना गोमेज बनाम तवारिस जीना गायल्स पैक्वेट ब्रेनर और सिरिल सेबास 2014 मैनेज के दृश्य इसाबेल फ़्रांसिस डुक्ट टीवी श्रृंखला एक एपिसोड 2015 ट्रांसपोर्टर ने ईंधन भरा मैसा कैमिली डेला मारे दो अलाद दो परिचारिका लियोनेल स्टेकेटी 2020 आपके लिए क्या उचित है मामन एनी रूमानोफ फिल्माने कैपिटाइन मार्लियो जोसी दयान टीवी श्रृंखला एक एपिसोड मार्टिन कॉम्पस्टन जन्म 8 मई उन्नीस एक स्कॉटिश अभिनेता और पूर्व पेशेवर फुटबॉलर हैं उन्होंने बीबीसी नाटक लाइन ऑफ ड्यूटी में एंटी करप्शन यूनिट डिटेक्टिव इंस्पेक्टर स्टीव अर्नोर्ड कैन लोच की स्वीट सिक्सटीन में लियाम द वी मैन में पॉल फेरिस मोनाक ऑफ द ग्लेन एक में इवान ब्रॉडी और द नेस्ट में डैन डोकटी की भूमिका निभाई प्रारंभिक जीवन और फुटबॉल करियर एक कैथोलिक परिवार में जन्मे कॉम्पस्टन दो बेटों में से छोटे दो का पालन पोषण ग्रीनॉक स्कॉटलैंड में हुआ और उन्होंने पड़ोसी गौरक में सेंट हाई स्कूल में पढ़ाई की तीन एक होनहार फुटबॉलर व किशोरावस्था में एबरडीन के साथ एक युवा खिलाड़ी थे चार और स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपने स्थानीय पेशेवर क्लब ग्रीनॉक मॉर्टन के लिए हस्ताक्षर किए पांच कॉम्पस्टन ने दो हज़ार सीजन में दो प्रथम टीम प्रदर्शन किए जिसमें टीम को थर्ड डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया दोनों मैचों में वह एक विकल्प के रूप में उपस्थित हुए और मॉर्टन एलोआ एथलेटिक और क्वीन ऑफ द साउथ से चार शून्य से हार गए छ मॉर्टन छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए ग्रीनॉक जूनियर्स के लिए जूनियर फुटबॉल खेला सात अभिनय करियर पहले कभी अभिनय नहीं करने के बाद कॉम्पस्टन ने केन लोच की स्वीट सिक्सटीन में मुख्य भूमिका के लिए सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया जिसे स्थानीय स्तर पर फिल्माया जा रहा था एक कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म की सफलता ने उन्हें स्कॉटलैंड में तत्काल सेलिब्रिटी का दर्जा दिला दिया उन्हें और उनके सहकलाकार विलियम रुआन दोनों को ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर के लिए नामांकित किया गया था जिसमें कॉम्पस्टन ने ये श्रेणी जीती थी आठ टीवी धारावाहिक मोनाक ऑफ द ग्लेन में उनकी नियमित भूमिका थी इसके बाद वह तीन फिल्मों में दिखाई दिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ ए गाइड टू रिकॉग्नाइजिंग योर सेंस जूरी पुरस्कार और संडास फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी रेड रोड कांस में जूरी पुरस्कार केट डिकी और टोनी कुरेन के साथ स्कॉटलैंड में शूट किया गया जिसके लिए उन्हें स्कॉटिश बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में नामांकित किया गया था और पीटर मुलान और गैरी लुईस के साथ ट्रू नॉर्थ जिसके लिए उन्हें ब्री इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में नामांकित किया गया था कॉम्पस्टन ने 2010 की फिल्म सोल बॉय में क्रेग पाकिंसन के साथ अभिनय किया जिसमें उन्होंने जो मैके की भूमिका निभाई एक उन्होंने कम बजट की वेब श्रृंखला इज डे में एक छोटी भूमिका भी निभाई कॉम्पस्टन ग्रेस और हाउ लॉन्ग के लिए द व्यू के संगीत वीडियो में दिखाई दिए नौ no. 2012 में कॉम्पस्टन ने बीबीसी पुलिस नाटक लाइन ऑफ ड्यूटी में एक बार फिर क्रेग पाकिंसन के साथ अभिनय करते हुए भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते के एक जासूस डिटेक्टिव सार्जेंट स्टीव अर्नोट की मुख्य भूमिका निभाई उसी वर्ष उन्होंने हिंसक थरुला पिग्गी में भी अभिनय किया दस अपनी स्कॉटिश जड़ों की ओर लौटते हुए वो बडिस द्वारा निर्देशित द वी मैन में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए जो ग्लास्को गैंगस्टर पॉल फेरस के जीवन को दर्शाती फिल्म थी ग्यारह इसे जनवरी 2013 में यूके में रिलीज किया गया था अप्रैल 2013 में कॉम्पस्टन ने आईटीवी मिनी सीरीज द आइसक्रीम गर्ल्स में अभिनय किया बारह वह द ग्रेट ट्रेन रॉबरी में रॉय जेम्स के रूप में दिखाई दिए तेरह 2014, 2016, 2017, 2019 और 2021 में कॉम्पस्टन ने पुलिस ड्रामा लाइन ऑफ ड्यूटी की पांच और श्रृंखलाओं में जासूस साजेंट स्टीव अर्नोट की अपनी मुख्य भूमिका को दोहराया जो अपनी चौथी श्रृंखला की शुरुआत में बीबीसी टू से बीबीसी वन में स्थानांतरित हो गई चौदह 14-15 दो हजार सोलह में उन्होंने तीन भाग वाली स्कॉटिश टेलीविजन श्रृंखला इन प्लेन साइट में सीरियल किलर पीटर मैनुअल के रूप में अभिनय किया सोलह दो हजार बीस में उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला द नेस्ट में सोफ़ी रंडले के साथ अभिनय किया सत्रह दो में कॉम्पस्टन को अमेज़न प्राइम वीडियो थ्रिलर द रिग में फुलमर हैमिल्टन के रूप में अभिनय करने के लिए चुना गया था अठारह जो जनवरी 2023 में रिलीज हुई थी उन्नीस मार्च 2022 में कॉम्पस्टन ने अवर हाउस में अभिनय किया दो शून्य दो एक दो दो नाटक श्रृंखला लुईस कैंडलिश के उपन्यास अवर हाउस पर आधारित है तेईस व्यक्तिगत जीवन कॉम्पस्टन ने 2016 में अमेरिकी अभिनेत्री टियाना चैनल फ्लिन से शादी की 24 2020 तक वे लास वेगास में रहते हैं प्रशस्ति पत्र आवश्यक जून 2022 में लास वेगास में एक सेल्टिक समर्थक समारोह के दौरान मंच पर उनके वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कॉम्पस्टन को सांप्रदायिक गीत गाने के आरोपों से इनकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा पच्चीस कॉम्पस्टन स्कॉटिश स्वतंत्रता और स्कॉटिश नेशनल पार्टी का समर्थक है छब्बीस फिल्मोग्राफी नील मास्केल जन्म उन्नीस सौ छिहत्तर वन एक अंग्रेज़ी अभिनेता लेखक और निर्देशक हैं जो ब्रिटिश अपराध और डरावनी फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं उनके क्रेडिट में निल बाय माउथ उन्नीस द फुटबॉल फैक्ट्री 2004, हजार चार राइज ऑफ द फुटसोल्जर दो हजार सात डॉग हाउस दो हजार नौ बॉन्डेड बाय ब्लड ट्वेंटी टेन किल लिस्ट दो हज़ार ग्यारह वाइल्ड बिल दो हजार ग्यारह सेंट शामिल हैं जॉर्ज डे और पिग्गी दोनों दो हजार बारह द ग्रेट ट्रेन रॉबरी 2013. हजार तेरह राइज्ड बाय The दो हजार King द ममी दो हजार सत्रह किंग आथ लीजेंड ऑफ द स्वाड दो हजार सत्रह पीकी ब्लाइंड स ट्वेंटी नाइनटीन बुल दो हजार इक्कीस दो हजार बाईस और हाईजैक ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्रारंभिक जीवन मास्केल का जन्म लंदन में हुआ था एक युवा के रूप में उन्होंने फुल बैक के रूप में लॉन्ग लेन जेएफसी के लिए फुटबॉल खेला उन्होंने पहली बार लंदन के इसलिंगटन में अन्ना शेर थिएटर में अभिनय का प्रशिक्षण लिया जहां उन्होंने 11 साल की उम्र से कक्षाओं में भाग लिया दो और उन्नीस से नॉर्थ वेस्ट कैंट कॉलेज के मिस्किन थिएटर, डार्टफोर्ड में अध्ययन किया बाद में उन्होंने एक निर्देशक के रूप में काम किया मिस्किन थिएटर में तीन फिल्म मास्केल का फिल्मी करियर उन्नीस में गैरी ओल्डमैन के निर्देशन में बनी पहली फ़िल्म निल बाय माउथ में शमुडी की भूमिका के साथ शुरू हुआ जिसे उन्नीस के कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पाल्मे डी और गोल्डन पाम के लिए नामांकित किया गया था चार दो चार में वो ब्रिटिश गुंडे फिल्म द फुटबॉल फैक्ट्री में टॉमी डैनी डायर द्वारा अभिनीत के सबसे अच्छे दोस्त और साथी रॉड के रूप में दिखाई दिए जिसमें टैमर हसन फ्रैंक हापर और रोलैंड मनुकिन ने भी अभिनय किया पांच 2007 में वह ब्रिटिश गैंगस्टर फिल्म राइज ऑफ द सोल्जर में थे जिसमें क्रेग फेब्रास और टेरी स्टोन भी थे छह 2009 में वह स्टीफन ग्राहम और डैनी डायर के साथ कॉमेडी जोम्बी फिल्म डॉग हाउस में बैंकी के रूप में दिखाई दिए सात 2011 की थ्रिलर किल लिस्ट 2011 हजार में उनकी प्रमुख भूमिका आठ ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड सहित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कई नामांकन अर्जित किए नाइन दो में उन्होंने वाइल्ड बिल में भी अभिनय किया जिसमें चाली क्रीड माइल्स विल पॉल्टर लियो ग्रेगरी लिज वाइट, इवान रॉन ओलिविया विलियम्स जैम विंस्टन एंडी सिकिस और सीन पटवे शामिल थे फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली दस 2021 में मास्केल ने ब्रिटिश गैंगस्टर रिवेंज फिल्म बुल में तमजिन आउटहाइट के साथ मुख्य किरदार निभाया ग्यारह टेलीविज़न मास्केल की पहली टेलीविज़न उपस्थिति 1991 में आईटीवी पुलिस नाटक द बिल में थी छह उन्नीस और 2002 के बीच उन्होंने शो में पांच बार प्रस्तुति दी और हर बार एक अलग किरदार निभाया कैजुअल्टी लंदनज बनिंग, सोल्जर सोल्जर जैसे कई अन्य लोकप्रिय ब्रिटिश धारावाहिक नाटकों में उनकी एकल भूमिकाएं थीं छह उनकी सबसे नियमित टेलीविजन भूमिकाएं 2005 की कॉमेडी सीरीज़ माइक बैसेट मैनेजर कॉमेडी स्कैच शो द रॉन्ग डोर और दो शून्य एक तीन दो शून्य एक चार की थ्रिलर ड्रामा एक्शन सीरीज यूटोपिया में रही हैं 2015 से वो साइंस फिक्शन थ्रिलर है ह्यूमन्स में नियमित रूप से शामिल रहे हैं 2019 में मास्केल ने पीकी ब्लाइंडर्स की श्रृंखला के समापन में प्रधानमंत्री विंस्टन चचिल की भूमिका निभाई छ 2018 और 2020 के बीच उन्होंने बीबीसी वन सिटकॉम किंग गैरी में आवर्ती चरित्र विंकल की भूमिका निभाई जो टॉम डेविस द्वारा निभाए गए शीर्षक चरित्र के दोस्त और कर्मचारी थे मास्केल ने पहले डेविस के साथ मर्डर इन सक्सेस विले जहां उन्होंने एक एपिसोड में फ्रैंकी बॉयल की भूमिका निभाई थी बारह द वार्म अप गाय तेरह और द मॉगन शो में काम किया है चौदह 2022 में मास्केल ने आईटीवी नाटक लिट्विनेको में जासूस इंस्पेक्टर ब्रेंट हयात की भूमिका निभाई जिसमें रूसी रक्षक एलेक्जेंडर लिट्विनेको की मौत के अंतिम दिनों और उसके बाद की हत्या की जांच का विवरण दिया गया है छ 2023 में मास्केल ने इदरीस एल्बा और ईव माइल्स के साथ एप्पल टीवी जोड़ विमान थरिलर श्रृंखला हाईजैक में एक आतंकवादी की भूमिका निभाई पंद्रह व्यक्तिगत जीवन जून 2011 में हैवलेट पैंकार्ड ने अपने बीट्स ऑडियो लैपटॉप के लिए अपने विज्ञापन अभियान के हिस्से के रूप में प्लान बी पर हस्ताक्षर किए अट्ठाईस उनतीस यूके सिनेमाघरों के लिए विशेष रूप से एक लघु फिल्म का उपयोग करते हुए जिसमें एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपने बैंड के साथ प्लान बी को डिकन्स्ट्रक्ट करते हुए दिखाया गया था गाना शी सेड जो एक साल पहले यूके चार्ट में सफल रहा था तीस इसके बाद अपने 24 जून के अंक में ब्रिटिश व्यंग्य पत्रिका प्राइवेट आई ने अपने एड नौसिम कॉलम में विज्ञापन का संदर्भ दिया इकतीस पथ रिका के विचार को व्यक्त करते हुए कि विज्ञापन में प्लान बी की भागीदारी उनकी टिप्पणियों के विपरीत प्रतीत होती है संगीत प्रचार के संबंध में आइवर नोवेलो अवार्ड्स में जहां उन्होंने आलोचना की कि अपने संगीत को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा पुरस्कारों से ठीक पहले अपने स्वयं के अमेरिकी मंच दौरे के संदर्भ में बत्तीस जुलाई दो में बुल्मस साइडर ने घोषणा की कि उन्होंने अपने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए प्लान बी पर हस्ताक्षर किए हैं तैंतीस एक विज्ञापन जारी किया जिसमें प्लान बी द्वारा लाइव प्रदर्शन दर्शाया गया था चौंतीस डिस्कोग्राफी मुख्य लेख प्लान बी डिस्कोग्राफी और प्लान बी द्वारा रिकॉर्ड किए गए गानों की सूची स्टूडियो एल्बम जब आपके पास शब्द हों तो कार्रवाई की आवश्यकता किसे है 2006 स्ट्रिकलैंड बैंकों की मानहानि 2010 ड्रू का पालन पोषण लंदन में हुआ उनकी मां एक स्थानीय प्राधिकारी के लिए काम करती थीं और उनके पिता पॉल बैलेस 1970 के दशक के दौरान वॉम जैट्स नामक एक पंक रॉक बैंड में बजाते थे तीन जब उसके पिता परिवार छोड़कर चले गए तब वह पांच महीने का था और छह साल का था जब उसके पिता पूरी तरह से गायब हो गए चार बड़े होते हुए ड्रू ने खुद को अलग थलग महसूस किया उन्होंने कहा हम श्रमिक वर्ग नहीं थे लेकिन हम मध्यम वर्ग भी नहीं थे हम बीच में शून्य में थे मैंने हमेशा एक सामाजिक बहिष्कृत की तरह महसूस किया है पांच व आसनल एफसी का प्रशंसक है छ ग्यारह साल की उम्र से ड्रू ने इंगेटस्टोन, एसेक्स में एंग्लो यूरोपियन स्कूल में पढ़ाई की बाद में उन्हें निष्कासित किए जाने से पहले टॉम हुड स्कूल साथ में स्थानांतरित कर दिया गया और मुख्यधारा के स्कूल में भाग लेने में असमर्थ बच्चों के लिए लंदन के न्यूहैम में टुनमश प्यूपल रेफरल यूनिट में भेज दिया गया आठ अंततः उन्होंने तीन जी -सी -सी के साथ स्कूल छोड़ दिया उन्होंने चौदह साल की उम्र में खुद को गिटार बजाना सिखाया पहले दोस्तों के साथ ब्लर और ओएसिस गाने बजाए नौ फिर अपने खुद के आर एंड बी प्रेम गीत लिखे ड्रू ने 2007 में यूएसए टुडे पर एक उपस्थिति के दौरान अपने स्टेज नाम की व्याख्या करते हुए कहा खुद को प्लान भी कहने का पूरा कारण ये था कि मैं इस प्यारे लड़के जस्टिन टिम्बरलेक का काम कर रहा था लेकिन मुझे कभी भी सहज महसूस नहीं हुआ जब मैंने रैप करना शुरू किया मेरे लिए सहज महसूस करना आसान था तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस जबरदस्त मूवी के बारे में बात करी जो कि 2025 में शायद ही हमें देखने को मिले 26 भी लग सकते हैं लेकिन कन्फर्म हमें देखने को मिलने वाली है ये मूवी और इसका आप जितने लोग एक तरह से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर कीजिएगा और इस यूनिवर्स की चार एक तरह से मूवीज़ हमें देखने को मिल चुकी है इनमें से किसी भी मूवी के ऊपर यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं जिस एक तरह से पार्ट के लिए जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक हो गए हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में